कब्जा करना। क्या बात है, आज तक बर्फ का इतना सुंदर टुकड़ा नहीं देखा। हाँ, ये तो वो विलन है जिसे मैं तहे दिल से नफरत करता हूँ। आयरन मैन, अभी नहीं। तुम्हें निशाना सुधारना होगा, मेरी बारी। वैसे भी आग के मामले में तुम काफी कमजोर हो। नहीं तो अब तक तुम जलकर खाक हो चुके होते। लपटें फेंकना शुरू करो। अगर गर्मी पसंद नहीं है तो उससे दूर रहो। बिल्कुल ठीक कहा लीसा, ये इस दशक की सबसे बड़ी खबर है। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, मैंने फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। मैंने स्टॉक इंटरनेशनल खरीद ली है। नहीं, मैं उठना नहीं चाहता, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। टोनी, तुम यकीन नहीं करोगे क्या हुआ, सच में मजा आ गया। हैमर स्टॉक इंटरनेशनल नहीं खरीद रहा है ना? नहीं, मॉम ने स्पेशल टोस्ट बनाया है। क्या हुआ, उनका स्पेशल टोस्ट अनोखा होता है। अरे यार, मैं तो तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें अभी बिस्तर से उठना होगा। ठीक है, शायद अगले साल। कल स्टॉक इंटरनेशनल खरीदने के बाद से जस्टिन हैमर कंपनी में काफी बदलाव ला चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सौदा जबरदस्ती से किया गया है, तो उन्होंने जवाब दिया, खरीदना कैसा, वो कंपनी तो मेरी ही थी। मैं स्टॉक इंटरनेशनल को फिर से पहले जैसा बनाऊंगा। हम हर उस चीज पर ध्यान देंगे जिसकी दुनिया को जरूरत है, जो है बड़े हथियार उज्जवल कल के लिए। मुझे लगा नहीं था कि ये दिन और खराब हो सकता है, लेकिन अब तो मेरे बाल भी चिपचिपे हो गए हैं। देखिए, हम कोई तरीका निकाल लेंगे टोनी, 18 के होने के बाद ये कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। आज सुबह से मैं अपने वकील दोस्तों से बात कर रही थी, लगता है हैमर ने कोई चाल चली है। टोनी स्टार्क, मैं दुख के साथ आपको बता रही हूँ कि अब स्टॉक इंटरनेशनल आपकी कंपनी नहीं रही। और हाँ, हर महीने मिलने वाला अलाउंस रद्द किया जाता है। सॉरी, लेकिन वो पैसा मेरे ट्रस्ट का है। वो कंपनी के नाम पर ही था, जो अब मिस्टर हैमर की है। अब आप सड़क पर आ गए हैं। रोबर्ट आंटी, ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता तो है टोनी, लगता है हैमर ने सब पर कब्जा कर लिया है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया, हैव अ नाइस। कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। तुम्हें पता है कि आयरन मैन का भी किस्सा खत्म हो जाएगा। हैमर ने सब कुछ नहीं लिया है, तुम्हारे पास हम हैं और आयरन मैन का कवच और हथियार खाना भी तो है। लेकिन अब मेरे पास नया कवच बनाने के पैसे नहीं है, या पुराने कवच की मरम्मत के पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? गोंद और फॉइल इस्तेमाल करना। कोई तो तरीका होगा जिससे हम तुम्हारी कंपनी वापस खरीद सकते हैं। हाँ, देखता हूँ, शायद मेरी गुल्लक में करोड़ों रुपए जमा हो गए हों। तुम हैमर के साथ भी वही क्यों नहीं करते जो स्टेन के साथ किया था? कोमा में पहुँचा दे। नहीं, दुनिया को हैमर की असलियत दिखा दो बस। हाँ, ये ठीक कह रहा है, हैमर एक शातिर मुजरिम है, उसका प्लान पता लगाकर उसका पर्दाफाश कर दो। सही कहा, करना पड़े तो मैं दिन के 24 घंटे काम करूंगा। इस काम में मेरा साथ कौन देगा? मैं गोंद लेकर आती हूँ। उसे सुनने के लिए किसी माइक की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले काम की बात हो जाए, मेरे लिए नया डिस्क मंगवाओ, शानदार सा, फ्यूचरिस्टिक, जो बातें करता हो। हेलो जस्टिन, मैं हूँ तुम्हारा नया डिस्क, मैं कितना कूल हूँ, है ना? जी सर, और कोई अजीब मांगे हैं आपकी? कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। दूसरा, जहाज से आने वाले सामान का क्या हुआ? आप उस अंतर्राष्ट्रीय बिक्री की बात कर रहे हैं? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। हाँ, उसकी बिक्री में आने वाली रुकावटों का इंतजाम कर दिया गया है ना? जी हाँ, सामान वाला जहाज 1 घंटे में निकलेगा। बढ़िया,
गार्ड्स को कहना उस पर कड़ी नजर रखे साशा। समझ गई। ये तो काफी आसान था। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय बिक्री गैर कानूनी है। मैं देख कर आता हूँ, मुझे ऐसा कुछ तो मिलेगा जिससे शील्ड हैमर की कंपनी बंद कर देगी। तुम्हें कुछ मदद चाहिए? मुझे लगता है आसान होगा, और वैसे भी छिपकर हमला करना वॉर मशीन के बस की बात नहीं है। साशा, जाल फैल चुका है, चलो शिकार को पकड़ते हैं। उन्होंने पूरे इलाके में गार्ड्स तैनात कर रखे हैं, लगता है काफी बड़ा मामला है। संभल कर रहना टोनी, तुम्हें अपना स्टेल्थ कवच पहनना चाहिए था। देखते हैं ये किस तरह के सामान की बात कर रहे थे, जरूर कोई नए हथियार होंगे। खिलौने? ये है उनका गुप्त राज, कहीं कुछ तो होगा। सेंसर भी हथियारों से निकलने वाली ऊर्जा के संकेत नहीं दिखा रहे हैं। बस उस जगह के अलावा समझ गया। आयरन मैन, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। विप्लैश, थोड़ी देर संभालो, मैं भी आ रहा हूँ। टोनी, किलर श्राइक तुम्हारी बाई तरफ। अब तुम गए आयरन मैन। क्या टोनी, बात क्या है? मुझ पर वार हुआ है। कैसे हुआ आयरन मैन? देखो कौन लौट आया है। आयरन मैन, तुम मुझे तड़पता छोड़ गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे कवच के बैकअप जनरेटर ने मेरा साथ दिया। अब मैं तुम्हारी हालत उससे बुरी करने वाला हूँ। रोडी, मदद चाहिए, टाइटेनियम मैन लौट आया है। पहुंच रहा हूँ 3 मिनट में। आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है। तुम मुझसे दूर हटो। बेवकूफ, मैं स्कैन कर रहा हूं। एक गया, ठीक है, मुझे और ऊपर उड़ना होगा। तुम कहां जा रहे हो? वॉर मशीन, और कितनी देर? 7 सेकंड। और जल्दी नहीं आ सकते? लगभग 13% पर है और कम होती जा रही है। पेपर, मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। कुछ देर और, वॉर मशीन आता ही होगा। 1% पर है और कवच लॉक कर दिया जाए। और अब मुझे वो मिलेगा जिसका मुझे इंतजार था, एक निशानी। मुझे इसका सर चाहिए। उसने कवच लॉक कर दिया है बेवकूफ। नहीं, रुको फ्लैश, कवच को और नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। फिक्स 2.0 इस टिन को खोल लेगा और फिर तुम्हें वो मिल जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। वो यहाँ नहीं है, वो
वो चले गए। मुझे टोनी के कवच का जीपीएस सिग्नल मिलना बंद हो गया है, क्या तुम उसकी एनर्जी का पीछा कर सकते हो? ये कवच युद्ध के लिए है, जासूसी के लिए नहीं। जासूसी तो करनी ही होगी क्योंकि टोनी ने कवच लॉक कर लिया है। उसके दिल को जल्दी ही चार्जिंग की जरूरत होगी, कवच के बैकअप पावर के बिना वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। पहले स्टार्क इंटरनेशनल और फिर आयरन मैन, मुझे कहना होगा इस हफ्ते का जवाब नहीं। मुझे समझ नहीं आता तुम आयरन मैन को खत्म क्यों नहीं कर रहे हो, किस्सा खत्म करो ना, उसके कवच की डिजाइन तो है तुम्हारे पास। इतना आसान नहीं है साशा, गोस्ट ने मुझे नकली डिजाइन बेची थी, मैं जानता हूँ। आयरन मैन टाइटेनियम मैन से कहीं ज्यादा तेज और काबिल है और मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ, और वैसे भी उसका राज जल्दी हमें पता चल जाएगा क्योंकि ठीक अभी और इसी वक्त फिक्स 2.2 उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। मैग्नेटिक ड्रिल्स तो उम्मीद से बेहतर काम कर रही हैं। कुछ ही वक्त में पायलट कवच से बाहर होगा। मजा आ गया, ऐसा लग रहा है स्कूल की बायोलॉजी क्लास में हूँ। तुम कभी स्कूल भी गए थे? बकवास बंद करो यूनिकॉर्न, इसके लिए मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि तुम्हें चोट लगे, नीचे रखो। बेसिक फंक्शंस शुरू किए जा रहे हैं। कहाँ हो टोनी, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। अरे मुझे कोई सिग्नल तो दो। लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली, मुझे एक सिग्नल मिला है। कहाँ है वो? मुझसे लड़ना चाहते हो तो हो जाए। मैं पहले औरतों पर हमला नहीं करता, समझे? मेरे पास वक्त होता तो यहाँ आराम से बैठकर तुम्हारा ये शानदार बिना सिर पैर का मुकाबला देखता, पर तुम दोनों को अपना काम करना है, इसीलिए बुरा ना मानो तो। अब चलो इस टिन टप्पर को खोलते हैं। कंप्यूटर, मेरे हार्ट मॉनिटर का क्या हाल है? हार्ट मॉनिटर को इसी वक्त रिचार्ज की जरूरत है। वो तो मैं नहीं कर सकता, यहाँ रेडियो नहीं है, हथियार नहीं है। ओ, ये लोग मेरे पैर के साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, सिग्नल फिर से बंद हो गया, उसका हार्ट मॉनिटर बंद होने वाला है, जल्दी करो रोनी। मेरे पास एक आइडिया है, ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये क्या है, कोई बच्चा है? हो सकता है इसका कद छोटा हो। वो शांत हो जाओ छोटे उस्ताद। आखिरकार अब जब इसके कवच का लॉक खोल दिया गया है तो हम इसके हेलमेट को उतार सकते हैं। हेलो, जाग रहे हो? क्योंकि वक्त आ गया है तुम्हारा असली चेहरा देखने का। दर्द हो रहा है फिक्स, मुझे लगा तुमने कवच का लॉक खोल दिया था। सर, एक घुसपैठिया है। क्या? ये काम हमें बाद में करना होगा, हमारे यहाँ एक दुश्मन आ रहा है। फिक्स, तैयार हो जाओ, ये बात तुम दोनों पर भी लागू होती है। पेपा, तुम प्लान समझ गई ना? बिल्कुल समझ गई, आखिरकार मुझे भी कुछ कर दिखाने का मौका मिल ही गया। मैं अपने दोस्त को यहाँ से ले जाने आया हूँ। वॉर मशीन, ये तुम हो? मेरा मेरा हार्ट। रुक जाओ दोस्त, वॉर मशीन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, माफ करना ज्यादा खातिर नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें की कोशिश मत करना, तुम पर नकली कॉस्मिक रेस का हमला हुआ है। ये असली चीज जितने शानदार तो नहीं, पर ये तुम्हारे कवच को नुकसान पहुंचाए बिना तुम्हारा काम जरूर तमाम कर देंगे। पर ये किरणें तुम्हें बर्बाद कैसे करेंगी? क्या तुम पत्थर की तरह मजबूत बन जाओगे, गलकर मोम बन जाओगे, अचानक तुम आग में जल जाओगे या फिर हवा में गायब हो जाओगे? इनमें से कुछ भी हुआ तो मुझे बहुत मजा आएगा। ये मोम बनेगा, 200 की लगी। ठीक है, लग गए। उम्मीद है ये अंदर ही अंदर फट जाएगा, मैं हमेशा से ये देखना चाहता था। मुझे ध्यान लगाना होगा, पर ये दबाव दबाव, देखते हैं ये किरणें कितना दबाव सहन कर सकती है। सारे लोग सागो। ये क्या, पीछे हटो। ठीक है,
तो हम ये काम आसान तरीके से, मुश्किल तरीके से या फिर वॉर मशीन के तरीके से कर सकते हैं। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। कवच शुरू हो चुका है, हार्ड बॉडी जब 20% ताकत पर है। टोनी, मैंने तुम्हें काफी ताकत दे दी, पर अब इस स्टेल्थ कवच में और ताकत नहीं है। पेपर, तुम बहुत ही जिगर वाली हो। और ये तुम्हें आज पता चला? एक और आयरन मैन। मैं आयरन वुमन हूँ, अंकल के दुश्मन। बहुत मजा आ रहा है। लगता है हैमर किसी चूहे की तरह जान बचाकर भाग गया। ठीक है पेपर, देखते हैं तो खत्म है। मेरे कवच का नया फंक्शन पसंद आया? देखो भैया, और इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की तुमने? नहीं, तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। टीम के सामने एक कुछ याद आया विप्लव? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। चलो बहुत हुआ। तुम ठीक तो हो? अब तक तो हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया, मुझे तुम में से एक होना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा कि मैं तो खुशी से फटने वाली हूँ। मुझे यकीन है वो बेहतर जगह पहुंच गई होगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ऐसा लगता है मैं खुशी से फटने वाली हूँ। मैं क्यों अपना बड़ा मुंह खोलती हूँ? उसे छोड़ना मत दोस्तों। वॉर मशीन डबल पंच हो जाए। टाइटेनियम मैन का कवच बेहतर है रोड़ी, हमारी ताकत कम है, वो जल्दी ही संभल जाएगा। अच्छा, तो मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो इसके कवच को भेद कर अंदर के पायलट को नुकसान पहुँचा सकता है। अब तुम दोनों गए काम से। देखते हैं तुम्हारा इससे क्या होगा। वाह, मैंने इससे ज्यादा देर तक सहन किया था बेचारा। शायद मैं हैमर की कंपनी को बंद करने लायक सबूत हासिल नहीं कर पाया, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। हो हो, आराम से, आराम से दोस्त। मुझे माफ करना रोड़ी। टाइटेनियम मैन तो बस एक डरपोक आदमी निकला। हम हैमर को वैसे ही हराएंगे जैसा हमने प्लान किया था, रूल्स के साथ। अब चलो इसके पहले कि ये बाकी लूजर्स चार्ज जाएं। हम तो बाल बाल बचे। जानता हूं, अगर हमें 2 सेकंड की भी देर हो जाती तो उसे पता चल जाता कि टोनी ही आयरन मैन है। लेकिन उसे पता नहीं लगा क्योंकि तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों सुपर हीरो हो। शायद, पर अगर मैं कवच के अंदर होती तो मैं सुपर डुपर हीरो होती। उसके बारे में जल्द ही फैसला करेंगे। सच कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कवच बनाऊंगा। यस, शुक्रिया 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 शुक्रिया। पर नया कवच बनाने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? मिल जाएंगे, वो भी हमारी नई कंपनी से। तो उस लड़ाई से तुम्हें वो सीख मिल ही गई जिसकी तुम्हें जरूरत थी। हाँ, हैमर को मेरी डिजाइन्स चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। मैं उससे भी कामयाब कंपनी खोलूंगा, उसका सारा बिजनेस हथिया लूंगा, पर मुझे उसके लिए कुछ मदद चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। बढ़िया, वो स्कूल के बाद करने के लिए अच्छा काम होगा। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा मैं स्टार्क इंटरनेशनल हासिल कर लूंगा। लेकिन आज तो हमारी कंपनी का पहला दिन है जिसका नाम है सुपर पावर। क्या हुआ, काफी कैची है वो। मैं और भी आसान नाम सोच रहा था जैसे स्टार्क सॉल्यूशंस।